गर्मियों में तो खाली नींद आती है यार। क्या बोले, नींद लग गई थी मेरे को। हेलो भाभी जान, मैं नीचे हूँ। कितने बार बोलना, नहीं होना बोल के हमारा क्रेडिट कार्ड। पहले से मेरे मियाँ की जॉब चले गई, हमारी बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे। हाँ सुनो, फौरन रखो तुम, अपने बचे कुचे सेविंग्स भी खा लेते, रोड पे ला देते। काटो फोन, काटो। अरे काटो जी। भाभी हेलो, क्या हुआ भाभी? अरे तुम्हारे भाई सामने बैठे हुए थे, तुम्हारे से मालूम हो जाता था ना। अब जल्दी आ जाओ, परफेक्ट टाइमिंग है। भाभी आप याद से वीडियो रिकॉर्ड करिए, मेरे को भैया का रिएक्शन देखना। आई एम सो एक्साइटेड। आई नो, मैं भी इतनी एक्साइटेड हूं। किससे बात कर रहे हो तुम इतने एक्साइटेड? वो क्रेडिट कार्ड वाले हैं, देखो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे। तुमको मालूम क्रेडिट का मतलब भी? बाद में डेबिट करते हो ना इंटरेस्ट लगा के। आई एम नॉट अ गवार। मेरे पीठ पीछे अपने नखो कर दो। नहीं कर रही हूँ जी। कितना खफस दिख रहा, देखो। बोलती हूँ हमेशा सुबह उठते कि दरवाजा खोल देना बोल के, सांस लेने नहीं आ रहा मेरे को। क्या झूठे यार, तुम इस तो लगाए ना लू मारती बोल के, एसी ठंडा नहीं कर रहा है वो। आप सुनते ही कहा मेरी बात। मैं बोलती हूँ एसी बंद करो और दरवाजा खोलो। अच्छा, लेकिन मैं अब दरवाजा बंद करके एसी खोल रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ, उठाओ नक्को मेरे को। अरे कितना सोते भाई, अभी तो उठे आप। शुगर टेस्ट करा लो भाई, आप बहुत सो रहे। अभी उठा मैं, सुबह 8 बजे उठा, अब 1 बजने जनाब। और मैं करना भी क्या है, सोना उठना खाना ये तो हो गई लाइफ। बचपन में ये ड्रीम था मेरा ऐसी लाइफ होना बोल के, लेकिन अब वो मिली तो बोर हो जा रहा हूँ मैं। इंसान भी क्या चीज़ है देखो जनाब, किसी को ख्वाब पूरे करना है और जिसके ख्वाब पूरे हो रहे हैं उतना खुश नहीं है। चलो मैं जाता हूँ, सोना। वाह वाह वाह, क्या शेर बोले भाई आप, जबरदस्त। सही में अभी स्पॉट पे बनाया मैं, ऐसे तो चलते फिरते 10-12 मार दे सकता हूँ। नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, ये किसी का है नहीं शेर, कहीं तो सुना सुना दिख रहा है ये। अरे नहीं जी, अभी खुद से बनाया मैं। I'm so lucky, ता talented है मेरा मियाँ। तुम हल्लो मेरे को बातों में लगा के मेरी नींद उड़ा रहे जनाब। अम्मा मैं सो गया तो तुम बोर होते बोल के। अच्छा आप 5 मिनट इधर बैठो ना, मेरे को आपसे बात करना है। क्या है बोलो। जरा वहाँ बैठेंगे ना, यहाँ लू मार रही। तो खोले कहीं को दरवाजा। अरे बैठो ना भाई, इम्पोर्टेंट बात है। क्या है बोलो। आप आज कितने हैंडसम दिख रहे हैं मालूम। सही में, अरे वो 3 दिन से रेगुलरली जिम जा रहा हूँ ना, इसलिए देखो टच करो जी। सुबह उबले हुए अंडे खाया, डाइट पे हूँ मैं, स्ट्रिक्ट डाइट। जैनब तुम होना बोल के कर रहे, नहीं मेरे को फिर बातों में लगा, मैं सोना नहीं बोल के। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, अब मेरे को रोको ना खुद। अब्बा क्या दिख रहे हैं भाई, जल्दी देखो इधर देखो। जैनब यू आर बोरिंग मी नाउ। कौन है? पहचाने कौन है? अरे कौन है यारो, तुम्हारा भाई जिम छोड़ दिया क्या, इतने मुलायम खाता नहीं है जी उन्हें। अम्मी भी नहीं हो सकते, मेहंदी की बो नहीं आ रही। अम्मी भी नहीं है, पापा तो ऐसे काम नहीं करते। अब और कौन है आपकी फैमिली में? कौन है यारो, और कोई भी नहीं है। भैया तू कब छुट्टी जेल से? कल ही आपको जेलर भी याद कर रहा था। मेरा नाम बोली शायद तू, फुल इज्जत दिए होंगे तू मेरी बहन है बोल के, आज भी मेरे नाम का इस्तेमाल कर रही। हाँ बोली आपका नाम, लेकिन बोलो हम बोले आपसे गंदा आदमी आज तक वो जेल में नहीं आया। कनाडा में अच्छा जवाब देना सीख ली, लेकिन अब तू हैदराबाद में उतर गई, ये मेरा इलाका है, फ्रेम में आ जा। भैया कनाडा जाओ या चांद पे, अपन तो दिल से हैदराबाद ही है। पानी पिलाओ जी बच्ची को, जज्बात में भर जा रही, बिस्लरी होना शायद, नहीं पेट खराब हो जाएगा ये परी का। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। स्टॉप हो गया। भैया आपसे तो बाद में बात करती हूँ। अरे हल्लू हल्लू, बाजू वाले आ जाएंगे मुर्गियों की इलीगल फाइट चल रही है बोल के, जेल को जाते पूरे। इनके लेम जोक सब तक खत्म नहीं हुए, और लेम हो गए। As expected. अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो, पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद ही घंटा दबाओ। क्या है भैया, आपके शादी के 1 हफ्ते के बाद तो कनाडा चले गए, सो अब आ रही हूँ मैं, और आप इतना ठंडा रिएक्शन दे दिए। मैं मेरे कनाडा के दोस्तों को भेजना सोची थी वीडियो। अरे मेरा जेन्युइन रिएक्शन था रे, तेरे को देख के वही निकला, मैं क्या करूं। अब मैं क्या मालूम तू दोस्तों को भेज रही, सो जबरदस्त देता था मैं, पहले बोल देना था। बोल दिए तो सरप्राइज कैसे रहता था। भाभी आपको तो भी दे देना था मैं सरप्राइज, आपका रिएक्शन अच्छा आता था। बहुत अच्छा देती थी मैं, तेरे को बोली भी मेरे को सरप्राइज दे बोल के, मेरे को मालूम था इनका रिएक्शन फिक्का रहता बोल के एकदम। अरे मैं 2 मिनट में रिएक्शन दे देता हूँ, उसमें क्या है। ज़ैनब तुम वीडियो रिकॉर्ड करो, मैं सरप्राइज होने की एक्टिंग कर लेता हूँ। What? अरे जबरदस्त एक्टिंग आती मेरे को। छी ऐसे फेक वीडियोस नहीं बनाती हूँ मैं, रियल इमोशंस होना, इतना नहीं गिर सकती हूँ मैं। नहीं भेजना है दोस्तों को, नहीं भेजती वीडियो। ठीक है गिर जाती हूँ। गिरती तो मालूम था,
कनाडा जाके भी वही चाहे देख तू। भैया आप कर रहे नहीं, सुनो आई एम रेडी। कहीं के लिए? किधर भी नहीं जा रहे अपन ये धूप में। मैं मेरे रिएक्शन के लिए रेडी हूँ, मेरे को भी देना है, मैं भी एक्टिंग करती हूँ। तुम नहीं कर सकते जी, नेचुरल करना पड़ता तो लोग समझ जाते अरे हिलना फेक वीडियो बना लिया बोल के। नहीं नहीं, आप बड़े शाहरुख खान है। नहीं समायरा, आज देख लेंगे कौन ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते, तेरे भैया या तेरे भाभी। लेट्स डू इट। कौन कर रहे पहले? लेडीज फर्स्ट। कई को आप मेरी एक्टिंग और डायलॉग्स कॉपी करने कोई जरूरत नहीं है, यू गो फर्स्ट। चिल्ड्रन वॉच एंड लर्न। अच्छा टाइम वेस्ट हुआ, एक भी अच्छी नहीं आई, फिर से ट्राई करेंगे क्या? रेडी हूँ मैं तो। भाभी आपका फोन का मेमोरी फुल हो गया रीटेक्स की वजह से आप दोनों के। एक तो अच्छी होंगी, आप चेक करेंगे ना? लगा लेकर देखो। देखो देखो कौन है। किधर तो भी कहा थी भैया? समायरा तू रियल ऐसा ही से बोल, 3 साल हो गए भाई को छोड़ के चले गई थी तू। भैया तेरा भैया जिंदा है अभी, तू ये घर छोड़ के नहीं जाएंगी, अब यहाँ ही रहने वाली है। भैया दिख क्या जा रहा अलानी, आप फेक एक्ट कर रहे हो बोल के पूरा फ्लो बिगाड़ दी। कह रहे अच्छा चल रहा था दीवानी। अरे आप मेरा वीडियो कहीं को ले रहे हैं? पीछे देखो सरप्राइज है। भाभी कैकू की सुबह से तू ही चल रही मालूम मेरे दिमाग में। सही में? हाँ देख तेरा फेवरेट सालन भी बनाई मैं। कौन सा वाला भाभी तेरा फेवरेट? चिल्ला बंद है ज़ैनब, क्या बना रहे तुम? और भाभी जरा आप ओवर एक्टिंग कम करिए। देखो देखो कौन है। अरे किधर तो भी कहाँ ज़ैनब? डायलॉग लेना जरूरी है आपको, सीधा सीधा देख लो ना पीछे। ज़ैनब तुम मेरे को एक्टिंग नको सिखाओ, मैं रोल में भर जाता हूँ। अरे कॉलेज में थिएटर कर रहा हूँ मैं, झाड़ बना था 5 घंटे, एक पत्ता नहीं ला था। भैया भाभी सही बोल रहे। तू इतने खरी पाई कोई, तू तेरे रोल में ठहर उधर। अरे जूनियर आर्टिस्ट एक्शन। ये क्या था भाभी, क्या हुआ आपको? आर यू फाइन? भैया देखो जरा। नहीं मैं वो थोड़ा हंसने और रोने के रिएक्शन में कंफ्यूज हो गई थी। भाभी जस्ट बी नॉर्मल, कैजुअल करेंगे अपन, आप दोनों एक्ट न करो, ऐसा नॉर्मल रहो। क्या कर रहे हैं जी कुर्सी के साथ? देखो खाली पलटा मुंडी। समायरा सीरियसली बेहोश हो ते कोई? मैं क्या तुम्हें जिन हूं? पानी। That's it. I'm done. नहीं हो रहा मैं वीडियो। समायरा भाई को छोड़ के रखो जा। पलटो सरप्राइज। भाभी। Yes. No. 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 आज समायरा की बहुत याद आ रही है यार वो। पलटो जी। क्या हुआ कल पलटते क्या? अरे दीवानी स्लो मोशन इफेक्ट दे रहा था, इमोशनल सीन पे देना पड़ता। भाभी भाभी। इसे ज़ैनब नको आ रहा, नको लियो वीडियो, आज दिन कुछ भरा भरा सा है। भैया कनाडा से कहीं को आई कि मैं इतना महंगा टिकट लगा के? क्या फिर से रोते क्या आप? दीवानी इतना अच्छा शॉट दे रहा था मैं, देख मैं खुद इमोशनल हो गया। कुछ इमोशनल नहीं, आपका रोना देख के मेरे दोस्त हंसेंगे। ऐसा बड़े बात आ गई, भेज के देख रो लेते वीडियो कॉल ले करे तो। मेरा नाम शाहरुख नहीं। भेज दू? खैर मैं और एक दे सकता हूँ। अच्छा अरे हम दोनों का भी रिएक्शन अच्छा नहीं आया, वो तो सबसे बुरा है। हाँ बता। देखो गाइस मैं फाइनली इंडिया आ गई और मैं भैया भाभी को सरप्राइज करने वाली हूँ। देखो उधर है। आई होप दे डोंट सी। एसी क्या कर रहे हैं? लेट्स गो। चेंज करना है अपने को एसी। हाँ सरप्राइज। अरे समायरा। अरे समायरा मेरे को यकीन आ रहा, मेरी फेवरेट, मेरी सगी बनाई, मेरी मेरी फेवरेट ननद दिस ईयर। आई थिंक आई एम गोना क्राई। कब? मेरे को देखो मैं रो रहा हूं। बात करो ना। अरे देख अब समझ गई मैं, तेरे को एकदम नेचुरल एक्टिंग होना ना। लास्ट शॉट ले ले मेरा, कैसा देती हूँ देख। नहीं रहने दो भाभी, इसको एडिट कर लेती हूँ मैं। हमारा सुन ज़ैनब के पूरे वीडियोस मेरे को फॉरवर्ड कर, रोज इनकी एक्टिंग देख के हंसना है। आपसे तो 100 दर्जे बेहतर करी मैं क्या समायरा? भाभी भैया आप दोनों इक्वली बेकार करें। क-
क्या बोरिंग पिक्चर है। हाँ, हीरो फालतू है ना, जैसी हीरोइन वैसा हीरो। आप लोग कहीं को ऐसा लड़ ले रहे, मैं पहली बार देख रही हूँ आप लोग का शादी का वीडियो। हम लोग खुद पहली बार लगाए। ऐसा दिख रहा, मैं परसों ही खड़ा दुपट्टा पहनी थी। आज आता भी नहीं तुम्हारा एड्रेस। भैया आप इंडिया में है बोल के अच्छा हो गया, कनाडा में अगर आप फैट शेमिंग करें ना, बाबे आपके ऊपर केस डाल दे सकते हैं मालूम, सीधा अंदर जाते हैं आप। सुन लिए, वैसे मैं वक्त की बात कर रही थी, कितना भाग रहा देखो बोल के। ये बात तो सही है, अग्री कर दो। कलीज कैसा बोल रहा था मैं, माँ समारा चले गए, सुकून है आज बोलते कि आज आ गई सुकून खाने। एक सेकंड जल्दी रिवाइंड करो, पीछे देखो आपके मामू क्या कर रहे हैं। जेबों में लिफाफे डाल ले रही। फिर आपको वापस दिए अनुबाद में। अरे उल्टा दो लिफाफे लिए मेरे को मर्फे वाले को देने बोल के। कितने थे कि उसमें? मामू कब देना वापस? सही बोले माँ, इसलिए बोल रहे थे शार्क तेरी शादी में जितना एंजॉय कराना किसमें भी नहीं करा बोल के। अरे जैनब तुम्हारे पापा को देखो, सफारी पेन लेके गन ले लेके मेरे बॉडीगार्ड दिख रहे। आपके पापा का बेल्ट देखो, पहले निजाम के जमाने का दिख रहा। अरे पापा कैमल स्किन बेल्ट है। पापा दो दिन क्या कनाडा में रह गए, कैमल स्किन बेल्ट। अरे ये वो ही चूंट की चमड़ी का बेल्ट है जिसे आप रोजमर्रा खाते थे। अरे एक सेकंड रुको, ये आंटी को ने पहचान देखो ही। जिस हिसाब से ना कूट रहे ना, इनकी साइड क्या दिख रहे हैं मेरे? नोप, मेरे को भी नहीं मालूम मैंने कौन है। तेरे को मारे गए नो? अरे नहीं भाई, आप मेरे से आके पूछ रहे मेरी शादी हो क्या बोल के। मैं बोली नहीं तो बोल रहे उनके बेटे से शादी कर लो बोल के यूएस सेटल दे गए थे। क्या अब यूएस सेटल रहे तो क्या मैं शादी कर लूं? हाँ फिर। अरे दीवानी, ये कौन चिल्लर पुटों की गैंग है, पूरे टाइट टी शर्ट पहन ले गए। अरे मेरे छोटे के दोस्त आए। हाँ इतना बड़ा टेबल मेरा ना था, अच्छा अरेंज कर लिया। सो देखो 500 भी होंगे पट्टे। ओहो क्या ठूस रहे जैनब तुम तो। ऐसा गुस्सा आ रहा था मेरे को, कैमरा वाला हट रहा नहीं था भाई सामने से खाया, जब तक हाथ धोने गए तक था उन्हें साथ साथ। मैं जो बोला था उसको एक्स्ट्रा पैसे दिया, दुल्हन खारी तो उसके सामने से हिलना नहीं बोला था। माँ भैया कितने कमीने हैं। मैं तो दिख रही ने पूरे वीडियो में। मैं जो बोला था उसको एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ, तेरे कवर नको करो बोल के पट्टा बात पे रहा। फोटोज तो भी है नहीं है। होंगे एक दो, हम लोग के साथ ठहर के लीसो। चलो वो तो भी देखेंगे। एल्बम ये रहे, अब तक फिरा रहा हूँ। सही में इंडिया में ऐसी शो था, खाली फिराते लोग, कनाडा में ऐसा नहीं होता मालूम। हवा अक्षय कुमार जान दो। अक्षय कुमार ये क्या था, गूगल कर लो तुमने। ये पार्ट का वेट कर रहा था मैं, विदाई फेवरेट। छी 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 छी, कैसा बुरा मुंह बना के रो रहे तुम सैनब। मेरे को देखो शहनशाह घोड़े पे बैठा हूँ स्माइल के साथ। मैं मेरे अम्मा बा घर सबको छोड़ के आई, आपका क्या था? बस बस बस, ऐसा बुरा मुंह बना के रोते क्या फिर से? सैम तुम भी उनकी टीम में चले गई? नहीं भाभी मजाक कर रही थी मैं। चलो चलो अब एक घंटे तक मरफा है, जब तक तेरा सूटकेस खोलेंगे क्या लाई दिखाई नहीं। चलो। अरे इतनी दूर जाके इतना छोटा सूटकेस, मेरे वास्ते कुछ है नहीं है। आप कुछ बोले इस नहीं? तू पूछी, ये बाहर के लोग अच्छा सीख लिए बिना बोले आ जाना, सरप्राइज देना है बोल के आते, असल हमला कुछ नहीं मंगाना बोल के रहता। अरे लाए जी मैं आपके लिए दो तीन पोलो टी शर्ट है। दो या तीन? दो। खैर मैं खुद की क्लोथिंग लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैच भेजता हूँ रहते हो कनाडा। अरे सुन तू मेरी लिस्ट तो लेके आई ना। हाँ तुम्हारी लिस्ट कैसा गई? अरे आपके लिए तो सरप्राइज था ना, मेरे को तो मालूम था ना आ रही, सो तो मैं मेरी लिस्ट दे दी। वाह वाह सही खेले दोनों। ये किसका है? अम्मी पापा का एनिवर्सरी गिफ्ट है ये। आए कब है? आपको नहीं मालूम? भैया टू मच, इन्हों हमारी याद रख लिया सब बहुत है। भैया कब है आप लोगों की एनिवर्सरी? तू आए जब से लड़ाई लगा रही। सही बोलते लोग हैं भाभी ननंद की नहीं जमती सो। अम्मा एक सेकंड, ये फसादी रूम में ना बैठ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। एक सेकंड बोल के जो अपनी एनिवर्सरी कब है? ज़ैनब तू मत, तुम भी क्या मेरे को याद नहीं रहती है अपनी एनिवर्सरी? अरे ये रिंग पहनाया था मैं उस दिन। अभी अपने शादी के वीडियो में अपनी शादी की डेट ऐसा गोल 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 घूम रही थी ना। चक्कर आ गए वो डेट देख के। क्या हो रहा वो? अब आप इंस्टाग्राम पे जाके अपने शादी के फोटोज नहीं देखना। हो भैया ऐसा कैसा भूल गए आप लोग की शादी की डेट। समारा वापस कनाडा नहीं जाना है क्या? मेरा छोड़ो डेट बोलो आप। नहीं नहीं तू रहन दे, और आप अब मेरे से बात नहीं करना। अरे जूनेट जूनेट भैया आप चौथी की डेट बोल दिए।
खुश? Obviously भैया, I was missing all of this. और आप जाइए अब, मेरे को बहुत तैयारियां करना है. कई क्या तैयारियां? कल दावत है ना मम्मी पापा की एनिवर्सरी की. हाँ, ये घर में मेरे कोई कुछ बोलते ही नहीं. मैं गौर कर रहा, मेरी नौकरी गई बात से कोई आगे झूठे मुंह पूछ रहा नहीं. भैया आप जाओ भाभी को मनाओ, मेरे को कल के लिए बहुत तैयारियां करना है. इतनी जल्दी कहां से मानते हो ना, कल कुछ तो भी गिफ्ट ला के देना. तो कुछ तो भी ज्वेलरी लाए क्या? हाँ, इयर रिंग्स रिंग विंग कुछ तो भी. अब डिनर तो नहीं मिलता हमें. सुनो, से बात नहीं कर रही हूं मैं, वो भी मेरे कुछ तकलीफ. ये सुबह 6 बजे आके कौन उजड़े? अब चोरा है क्या? इनको उठा दो. हरगिज नहीं. अब तो सुबह उठ के इन्हों मेरी लाशिज देखना और जिंदगी भर रोना कि मैं अपनी बीवी को एक सॉरी नहीं बोल लिया, अपनी बीवी की आखिरी रात भी उससे बात नहीं कर लिया. जब मजा आएगा मेरे को. कौन है भाभी? ऐसा डरा दिए क्या आप? मेरे को भी नहीं मालूम कौन है. अब जाके भैया को उठाइए. मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ. अरे भाभी, चोरा है तो अपन कैसे संभालेंगे? आप लोग के घर की लड़ाई में सब लोग मर जाना. मैं मरने रेडी हूँ लेकिन उनको नहीं उठाती. तू अंदर जा, दरवाजा लगा ले, कितने भी गोलियां चलो, खून बहो, बाहर नहीं निकलना. और सुन, तू रोज भैया को रिग्रेट करवाना कि भैया एक सॉरी बोल देते भाभी को तो आज उन्हें अपने बीच में रहते थे बोल के. अरे नहीं भाभी, आपको छोड़ के नहीं जा रही हूँ मैं, कैसे बातें कर रहे हैं आप. और सुन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इनको दूसरी शादी करने नहीं देना. मेरा सबसे बड़ा डर यही है मालूम, कि मैं ऐसा मर गई तो उन्हें फौरन जाके दूसरी शादी कर लेते. तू नहीं करने देंगी ना? हाँ समायरा बोल, प्रॉमिस कर मेरे से. अरे ऐसा नहीं है भाभी, भैया आपको बहुत चाहते. सही में? देखो कैसा मालूम. अरे ठहरो जी, खोल रहे. तू बोल, क्या बोलते रहते उन्होंने मेरे बारे में? अरे खोलो रे, मैं हूँ अम्मी. अम्मी थी सुबह सुबह? क्या हुआ, सब खैरियत? अम्मी पापा तो ठीक है ना? उनको क्या होता, मस्त मजे से सो रहे. मैं गई सो भी खबर नहीं है उनको. तो आप कहीं कोर्ट के आ गए? ठीक है, चले जाती हूँ. जैनब क्या हुआ जी, निकलो, मेरे को भी जाना है. नहीं अम्मी, हम दोनों परेशान हैं. आप इतनी सुबह आ गए तो लाइट चली गई क्या घर पे? मेरी जिंदगी की लाइट चले गई. क्या हुआ पापा को? सो गए क्या? तुम्हारे बाप से लड़ाई हो गई. पक्का नहीं लग गई इसको. क्या हुआ भैया, काम भाग रहे? जैनब तुम यहाँ है? वॉशरूम में कौन है फिर? मैं तो दिख रही हूँ तेरे को. अरे अम्मी इतनी सुबह, क्या हुआ पापा को? पूरा को पापा की फिकर है. सामने अम्मा बैठी हुई है और कोई पूछ के नहीं देख रहा, खाली पापा पापा कर रहे. ऐसा करो पापा को ला के रख लो, मैं चले जाती हूँ. नहीं सुबह सुबह ऐसा अकेले आ गए ना आप. अम्मी पापा की लड़ाई हो गई कदे? ठीक है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ. हाँ तेरे को कई को फिकर, अम्मा लड़ो तो भी मरो तो भी. कई को लड़ लिया अम्मी आप? तेरे इतने सवालों से लॉज में आए वैसा दिख रहा. अब क्या आधार कार्ड जीरोक्स पूछता? रह सकती हूँ नहीं, मेरी बहन अभी जिंदा है, मैं को खुशी से रख लेती हूँ. नहीं अम्मी, मेरे रूम में चलिए, आपके लिए सब सो जाएंगे, अपन दोपहर में बात करेंगे. शाबाश, तुम ना भी अम्मी पापा की एनिवर्सरी भूल गए? वाह रे वाह, एक माँ जो है अपने बच्चों की हर चीज याद रखती. पैदा करे 100 दिन, पहली बार उंगली पकड़ के चलाए 100 दिन, फर्स्ट टाइम अम्मी पापा बोले 100 दिन, हम सब याद रखते. और तुम लोग अम्मी पापा की एनिवर्सरी भूल गए? वाह वाह, इसको देखो मचल रहा है. जाने तू जा. क्या मैं पापा विश करना भूल गए? तुमला कौन सा याद रखे? रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक इंतजार करी अब विश करते की, जब विश करते की बोल के. अब तक के नहीं करे, 25 साल हो गए ना लाइट ले लिए. पूरे हस्बैंड्स ऐसे ही रहते अम्मी. आपके मियाँ तो भी 25 साल में लाइट लिए, हमारे मियाँ 3 साल में लाइट ले लिए. अरे जहरा पापा उठ के करते होंगे ना. वेट करो अपना, आता हूँ कॉल आता. ऐसा कैसा, 25th एनिवर्सरी है, 12 बजते की विश कर देना था पापा. हर औरत मेरे जैसा कुर्बानी नहीं देती, थोड़े औरतान तो मियाँ की कुर्बानी दे देते एनिवर्सरी हम भूल गए तो.
बोलना क्या चाह रही तू? मैं इनके पापा की कुर्बानी दे देती हूँ। नहीं अम्मी वैसा नहीं, इन्हों हमारी एनिवर्सरी भी भूल गए। तुम्हारी एनिवर्सरी को अभी टाइम है, मेरी आज है, पूरा अटेंशन मेरे को होना। ठीक है अम्मी। भैया भाभी को सॉरी तो बोल दो एटलीस्ट। नहीं सैम, मैं देखना चाह रही हूँ खुद से कब बोलते बोल के। चलो सॉरी सॉरी ज़ैनब सॉरी, चलो रूम में चलो। कब है अपनी एनिवर्सरी? सॉरी बोल दिया ना मेरी जान। ए अम्मा सामने बैठी हुई है, क्या छिचो रे बातन कर रहा? आपको अब तक याद नहीं आई नहीं डेट? देख ली अम्मी। क्या बेटे कैसा भूल जाते? अरे नहीं अम्मी, ज़ैनब समारा अम्मी को लेके जाओ रूम में सो जाओ दोनों। हो चलिए अम्मी। जैनब मैं पहले जा, तुम जाओ, यू डिजर्व इट। अब क्या पासपोर्ट दिखा के जाओ? नहीं अम्मी जाओ, समारा इमरजेंसी है मेरे को जान दे। नॉट इन अ मिलियन इयर्स। सबको अभी जाना था। क्या चल रहा है अभी? कुछ नहीं, ऐसे चम्मी कहाँ है? सो रहे। गुस्से में अभी भी? हाँ फिर 100% रहते ही। मैं तो एक साल तक बात नहीं करती थी। ज़ैनब, June 5th, 2019। अब आपको याद भी आ गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या समझा के? भाभी जान दो ना, आज एनिवर्सरी का प्लान भी करना है, बड़ी दावत है। ठीक है, सिर्फ अम्मी पापा का देख के खामोश बैठ लूं मैं। लेकिन आप लोग कल कंटिन्यू कर लेना, जब तक आपको भैया अच्छा गिफ्ट नहीं दिया ना नहीं छोड़ना उनको। नहीं दिखा ही रहा बोलते अब से। अम्मा अब तो हरगिज नहीं, टैटूज करा ले तो June 5th। अरे पापा का कॉल आ रहा तो उठाओ ना। अरे उन्होंने गुस्से में रहा तो मेरे को बात करते, तू बात कर। हेलो। अरे अम्मी ये क्या पूछ रहे? ए इधर नहीं है बोल। नहीं है पापा। अम्मी पापा समझ गए, तू तो एक काम की नहीं है। सुन इमीडिएट पापा को कॉल बैक कर, उनको 100% अभी भी याद नहीं आया, उन्होंने भूल गए सो, और लाल गुलाब का बुके लाओ। दूसरों को एडवाइस देना पहले आता, खुद भी कर लिया करो कभी। कल लाता हूँ बोला ना, डील हो गया ना बस करो। हेलो पापा, आपकी 25th एनिवर्सरी है, आप भूल गए, अम्मी इसीलिए गुस्से में है। अच्छा सुनो, एक बड़ा फूलों का बुके ले लेके आइए, खाली हाथ मत आइए। अरे पापा को याद था कहते सरप्राइज दे रहे थे कहते उन्हों। सरप्राइज? हाँ क्लासिक, मेन विल बी मेन। ऑफ कोर्स, क्या मेन औरत रहेंगे शायद? अरे आप नहीं समझे, मैं बोली मेन विल बी मेन। वही बोल रहा हूँ मैं, मेन विल बी मेन। अरे बेगम कहाँ है? पापा ऐसा कैसे भूल गया है एनिवर्सरी? अरे नहीं भूला जी, मैं सरप्राइज दे रहा था, बोला ना तुम लोगों को। अरे पापा 100% भूल गए आप, मैं भी सरप्राइज वाली एक्सक्यूज यूज। वालेकुम सलाम बेटी। अम्मी अभी गुस्से में है। आप मना ले सकते हैं पापा? हाँ, मेरे जैसा हर कोई इतनी जल्दी नहीं मानते। शाहरुख एनी टिप्स? अरे पापा मैं क्या दियो, आप 25 साल से ये फील्ड में, फुल एक्सपीरियंस है आपको, मैं तो फ्रेशर हूँ, गलतियाँ होते हैं मेरे से। पापा इन्हों तो लास्ट पर्सन है एडवाइस पूछने के लिए, कल इस रात में हमारी लड़ाई हुई, हमारी एनिवर्सरी की डेट भूल गए, वो भी 3 साल में। अक्ल है मियां, ऐसा कैसा भूल गए? अरे नहीं पापा वो काम के टेंशन। काम बाद में, पहले बीवी का ख्याल रखना, फैमिली कम्स फर्स्ट। जी पापा। अरे मियाँ आज तक भी इनके गुस्से को ठंडा करने की आपसे हैबत होती, 25 साल हो गए मगर। पापा मैं आपको टिप देती हूँ, ऐसा कोई बिग डील नहीं रहता, जस्ट गो एंड से सॉरी, खाली सॉरी बोलने का रहता होता है बस। अच्छा सॉरी बोलना है, समझ गया। तुम लोग दुआ करो, शुरू करेंगे मिशन सॉरी। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, तो 100 बार मैंने जन्म लिए। हैप्पी एनिवर्सरी। ये साथ निभाने के गाने अच्छे गाते, 25 साल साथ रहे 100 दिन याद नहीं रहा। कौन बोले भूल गया, मैं सो रहा था, सरप्राइज दे रहा था जी। रोज तो 1 बजे तक फॉरवर्ड मैसेज भेजते रहते व्हाट्सएप पे लोगों को, कल 11 बजे सो जाना था, खाली सॉरी बोलने का रहता होता है बस। सॉरी अम्मा कितनी मुश्किल हुई देखो सॉरी बोलने को। सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्पेशल फूल तुम्हारे लिए, स्विट्जरलैंड के गुलाब। 25 साल 6 घंटे साथ रहने के बाद में भी आपको ये नहीं मालूम मेरे को ये गुलाब से एलर्जी है बोल के? कैसा मालूम रहेगा पहली बार जो लाए गुलाब? ओ तुम्हारे को मोतियाबहार पसंद है नहीं? अरे अपने कितने लड़ाइयों में
कितने मोतियाबार के लड़िया ला के दिया था। फिर ये क्या डिस्काउंट में मिल रहे थे? मैं 25 लड़िया ले रहा था मोतियाबार के। ये शाहरुख बोला मनाने के वास्ते मोतियाबार नहीं गुलाब लेके जाओ। उन्हें भी तुम्हारे पेज गया, उसको भी नहीं आता मनाने। अरे उसका छोड़ो जी, अपना दिन है आज, चलो बाहर चलेंगे, दावत की प्लानिंग करेंगे। अब क्या दावत जी, दावत नको, 25 साल हो गए। अपनी 25th है ये, कैसी रहना, सारे हैदराबाद शहर को मालूम है ना। बच्चों को बोल दिया मैं, जितना पैसा खर्चा होता उतना खर्चा करो, मगर दावत नंबर 1 होना। काई को जी बेगम, आज आप कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, बाहर चलो। अम्मी मान लिया होंगे? मान लिए नहीं, मार दिए होंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं तुम ना, पापा कैसे हैं? 2 मिनट में अम्मी को बॉटल में उतार लिए होंगे। मैं जैसा बोला वैसे प्लानिंग होनी ना दावत की। ऑफ कोर्स पापा, पूरा प्लान आपके हिसाब से छोरा। पूरा जो मैं बोला अम्मी के पसंद का है, थोड़ा भी नीचे ऊपर नहीं होना। हाँ पापा, आज तो मैं अपने हाथ की बिरयानी बना रही हूँ। ऐसो मेरी पसंद का बना रहे बोले ना। अरे अम्मी आप खा के तो देखिए, आप कभी खाए नहीं ना। ज़ैनब तुम पक्का पका सकते सबके लिए या मंगा लेंगे बाहर से? अरे हाँ मैं पका सकती हूँ, बोल दी ना बस। 8-10 लोग आ रहे थे, नहीं कर सकते तुम? अरे हाँ भाई मैं बना ले सकती हूँ, बोल दी ना बस। मर्जी अब तुम्हारी। और मैं बनाऊंगी केक। अम्मा प्लीज नको, केक नको, तेरे ब्राउनीज अब तक याद है, अभी तक दर्द है इधर, दाढ़ में अटके हुए हैं, डेंटिस्ट भी बोला नहीं निकलते कहते हो। नहीं बेटी अपन मंगा लेंगे केक। भैया बहुत पुरानी बात है, अब मैं परफेक्ट हो गई। चलो जबरदस्त, केक सेट, खाना सेट, अभी क्या होना? मैं फिर डेकोर कौन करेंगे? डेकोर कहीं को रे? डेकोर कहीं को? हमारे पीछे दीवार में 25th एनिवर्सरी लिखी हुई है ना, भूल गया? तेरी पहली बर्थडे में जो घर सजा दिया महल के जैसा, आजू बाजू वाले आके सेल्फी ले रहे थे। पापा बोल दिए खत्म, मैं देख लेता हूँ डेकोर। देख ले तो नहीं, चलो बहुत टाइम वेस्ट कर लिए, काम करेंगे अब। ठीक है जस्टिन ट्रूडो करेंगे। वो कौन है? वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। मैं वो कौन है जी? अरे उन दोनों का चलते रहता, जरा काली चाय दो। चलो देख रहे हैं अपने बच्चे कैसा लगे हुए हैं कल की दावत के लिए। अरे हाँ जी, इतना तो करना पड़ता अम्मा बाबा के वास्ते। शाहरुख और समेरा की पहली बर्थडे कितना धूम से करे थे, उन लोगों को तो याद नहीं होगा, तुम्हारे को तो याद है ना? अरे हाँ, वो कैसेट है उन लोगों की? कैसेट तो है मगर VCR नहीं है। 8-10 जनों की बिरयानी तो आताश ने मेरे को बनाने, खाली 2 जनों की बनाई उनकी और मेरे लिए, क्या कितना डालना मालूम ही नहीं। मेरे को भी कनाडा के प्रोडक्ट और बर्तनों की आदत है, इधर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन मैं बना ले सकती हूँ। अब तो केक बनाई तो मैं बिरयानी कैसा बनाऊँ? एक काम करेंगे, मैं बिरयानी बाहर से मंगा लेती हूँ, तू केक बना ले। नहीं भाभी अपन केक मंगा लेंगे, कोई खाते भी नहीं हो, लेकिन आप बिरयानी पकाओ, फूड इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं लेकिन एनिवर्सरी बोले तो केक अच्छा रहना जरूरी है, ऐसा 25th एनिवर्सरी लिखा रहता उस पे, बिरयानी का क्या है वो तो रोज ही खाते अपन। भाभी दावत की एक ही चीज याद रहती और वो है खाना, और पापा और भैया तो कितने पर्टिकुलर है बिरयानी को ले लेंगे। वो इज तो प्रॉब्लम है, जरा ऊपर नीचे होते की 10 बातें सुनना पड़ता। तो मैं केक बना लूं फिर? भाभी आपके पास केक मिक्स है? नहीं है। इडली कैसा बनाऊं मैं फिर? अरे तुम्हारे सर के ऊपर के खाने में छे। अच्छा अंडे का है, अंडे तो मेन इंग्रेडिएंट है, अंडे तो फ्रिज में ही रहते ना, लेकिन चॉकलेट सिरप ने, इडली कैसा बनाऊं मैं फिर? व्हिपिंग क्रीम है भाभी? वो नहीं है। इडली व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो कैसा बनाऊं मैं? अरे व्हिपिंग क्रीम तो लास्ट में ही डलता ना, अपन केक तो बना लेंगे। अभी मैं वो केक बनाने आता ही नहीं, आप बिरयानी बनाते बोला ना तो इसलिए मैं जोश में बोल दी केक बनाती बोल के। वैसे मेरे को भी बिरयानी बनाने नहीं आता इतने लोगों की। कैसा करेंगे आप? एक काम करती हूँ, मेरे भाई से मंगा लेती हूँ केक और बिरयानी। अगर मालूम हो लोग को कि अपन बाहर से मंगाए बोले तो अपन बेकार बहू बेकार बेटी हो जाते। फिर नको मंगाओ? ऑब्वियसली मंगाओ, लेकिन आपके भाई को बोलो छुपा के लाओ बोल के, अपन सर्व कर देंगे अपन बनाए बोल के। समायरा पकड़े जाते अपन 100%। भाभी मैं हूँ ना। पकड़े गए तो सीधा तुम्हारा नाम बोल देती हूँ मैं। ओके हेलो सुन छोटे, शाम में अम्मी पापा की एनिवर्सरी की दावत है तो बिरयानी और केक होना। अरे अपने अम्मी पापा नहीं रहे, मेरे सास ससुर, लेकिन छुपा के लाना है, देख किसी को मालूम नहीं होना। भाईजान बोले कि ये सीक्रेट मिशन सिर्फ सफी कर सकता। हाँ ठीक है अभी भेज रहा हूँ पैसे। क्या 25,000 रुपए डेकोर के? अरे बड़े भाई वलीमे का स्टेज ने सजाना है, एजेड लोगों की एनिवर्सरी है। देखो 1500 मैक्स बोल रहा हूँ मैं आपको। देखो बड़े भाई आप पहले ये रेट बोलते हैं, हम कम भी नहीं करते थे ना। कराओ भाई जल्दी कराओ, 1 घंटे में घर बदल जाना पूरा। अब भी करो ट्रांसफर, रखो फोन। 25,000 का दे, क्या सोने के पुलन चांदी के लड़ने लगा रहे हैं? भेल नहीं सकते यहाँ से,
एक्टिंग कर लेते ठहरना पड़ता पकाने की। हाँ भाभी, मम्मी पापा का तो लाइट है लेकिन भैया देख लिया ना बहुत प्रॉब्लम होती और उन्होंने इधर ही फिर रहे। अरे भैया देख क्या है ना, केक की खुशबू आ रही ना बिरयानी की महक। अरे मैं अभी गोश्त गलने रखी भाई, आप जाके सो जाओ ना, मैं उठा देती हूँ आपको। तू गई हो खाली ठहरी भी है? खाली ठहरी भी हूँ, इधर देखिए अब भी केक अंदर रखी, मैं चुरके लगे मेरे को। वो सब कुछ भी हुआ होगा, ये तेरी बर्थडे का केक ना होता, अम्मी पापा की एनिवर्सरी है, सब चीजें फर्स्ट क्लास रहना। मेरा केक जब बनेगा ना सब बिरयानी छोड़ के केक खाते हुए रह जाना। अरे मेरे बिरयानी के भगोने पे से ढक्कन हटाना, सब दावत छोड़ के आ जाना सीधा बिरयानी खाने। सब बिरयानी खाते रहते है लेकिन केक पे नजर रहती। जो बड़े बातें करते ना बुरा फील होते। एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं क्या? क्या हुआ आपके डेकोर का, अब डाउट आ रहा मेरे को, हुआ या नहीं? खाली देखो जी तुम, मैं बोलता हूँ ना कुछ भी। ओके। ऐसा सजेगा, पापा बोला मेरे वली में का स्टेज भी इतना अच्छा नहीं सजा था। ओफो। ओफो इस रहते अपने कामा। जल्दी बनाओ। भैया का अच्छा है ना, दूसरों से कामा करा ले सकते, लेकिन अपन बाहर से खाना मंगा लिया तो अपन बुरे। हाँ, सही तो बोली। चुल्ला ही चौफ है। अच्छा उन्होंने नोटिस नहीं करे, मैं तो जर्रे में सही में ठहर के बनाना पड़ता था। क्या बोल रहा कुर्ता? खुद का डेकोर हो गया तो घर भी सजाते हैं बाप। तुम बिरयानी पे फोकस करो, भूख लग रही इधर। बिरयानी तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ से तो नहीं बनाए ना। क्या जी, अपनी शादी के 25 साल मुकम्मल हो गए, मालूम ही नहीं पड़ा, क्या बोलते? हाँ जी सही बोले, अब तो अपने बच्चे के भी 3 हो गए माशाल्लाह। बड़ी बात से तोबा, आज भी पहली नर्सरी का ग्लैमर बरकरार है। मेरे को अच्छा याद है जी, एक बार अपन तरकारी लेने गए तो आपको तरकारी वाला मिथुन के वैसे दिखते बोला था। जब से आप अपने आप को जूनियर मिथुन समझ ले रहे। अरे एक बार मिथुन की तबीयत खराब थी, बॉम्बे से डायरेक्टर मेरे को फोन करा, बोला मिथुन की जगह तुम कर लो, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब थी जाना मुनासिब नहीं समझा, मैं तुम्हारी खिदमत में लग गया। नहीं तो मैं रहता था डिस्को डांसर। आई एम ए डिस्को डांसर। बस थम जाओ, डिस्को डांस में पीठ खिसको हो जाएंगी, केक लेट के काटना पड़ेगा। अरे तुम बात को कुछ तो भी कर लेते रहते क्या? चलो आप वहां से सीधा करो ना प्लीज। कौन आके देख रहे ज़ैनब का रूम कैसा है बोल के? कोई भी घुस जाते नहीं मालूम आपको। मेरा भाई आया शायद, मैं जाके खोल देती हूँ। डेकोर वाले हैं, तुम जब घर के बाहर निकलेंगे, सॉरी रूम के बाहर निकलेंगे, पूरे घर का नक्शा बदल जाने वाला है। थोड़ी देर पहले ही बोले आप, जो बड़े बातें करते हो ना फेल होते बोल के। मैं सिर्फ एग्जाम्स में फेल हुआ, कुछ अच्छी बात नहीं है। वो कहाँ जा रही मेरी अकेले? आ गई, हटो। तेरी एक दोस्त है देख जेनिफर, कल उसके साथ फोटो डाली, उसको भेजवा। क्या अंग्रेजों को ब्राउन मुंडे एक्सोटिक दिखते हैं। ऐसा भाभी को बुलाऊं? तू क्या भाभी बोल के डराती क्या उनसे? डर तो समझ रही, तुमला है बोल के ऐसा रहता हूं मैं, एक आवाज से कांप जाती औरत। भाभी अरे मजाक करा, डिलीट कर दे, इतनी खास भी नहीं है वो। क्या है ये डेकोर मैन? गोल्डन डेकोर लाइक बुर्जुर अरब। अच्छा बाकी का सामान नीचे ट्रॉली में है क्या? अब वो भी हम जाके लाना? अरे 1500 कहीं के ले रहे फिर? No trolleys man, only single man. Because in 1500 you get 2 golden balloons, 1 pink pataka. आई ले, मैं घर में बड़े बड़े बातें कर दिया ना, घर का नक्शा बदल जाता बोल के। Bro never do बड़े बातें, you always fail. Do छोटे बातें, you pass. Bro where to bun this? मेरे गले पे बन के उड़ा दो मेरे को अब। Turn around. लो, फुग्गा लो। Take pataka also. नहीं भाई ये ले लो, हमारे अम्मी बेहोश हो जाती इसकी आवाज से, लेके चल लो। थैंक यू टुनाइट पार्टी। भैया एक फोटो ले लो ना मेरी। हाँ तू अच्छी नहीं दिख रही, रे नहीं आते अच्छे फोटोज, कर लेंगे। ची 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 भैया, 2 फुग्गे मंगाए वो भी फोड़ दिए आप, ये था आपका डेकोर? नहीं नहीं ये नहीं होता। सब सुन ली मैं, 1500 का पैकेज का। मेरे को आइडिया नहीं था रे भाई डेकोर को इतना महंगा होता बोल के, 25000 बोला उन्हें, मैं समझा छिल दे रहे ने मेरे को। अब जाओ भाभी को समझाओ भाई, ऐसे ठंडा करता नहीं।
बड़ी खिंची हो गया यार, मेरी बिरयानी पकड़ गई क्या? डेकोर वाले हैंडल दे दिए, फोन ऑफ कर लिया भाई, कितना अनप्रोफेशनल। माँ एक बार के लिए सांस रुकी थी मेरी, इसलिए बोली बड़े बातें नहीं करना, एक काम नहीं होता आपसे बराबर। मेरी क्या गलती है, फोन ऑफ कर लिया तो? फिर वो बेल कौन मारे? वो कुछ समारा केक बना रही ना, चेरीज मंगाई। उन्हें तो केक बना रही नहीं, तो फिर चेरीज के लिए आप क्या छुपा रहे मेरे से? हमारा केक नहीं बना रही। नहीं नहीं नहीं, उन्हें बना रही भाई, जबरदस्त केक बना रही उन्हें। वो मैं चेक कर लेता हूँ कितना जबरदस्त है। अरे अब इसके केक का मालूम हुआ तो मेरी बिरयानी का भी मालूम हो जाता। दबूरत नानी, आपकी फोटो शूट हो गई तो जरा इधर आओ। अभी तो सेल्फी शुरू हुए। जरा केक बताओ वहाँ कैसा है, देखेंगे आओ, कम फर्स्ट। अरे भैया अभी रेडी नहीं हुआ। भैया अभी तक रेडी नहीं हुआ केक। कपड़ा कहीं उतार ली इस पे, शर्मा रहा क्या केक? आपको नहीं मालूम केक बने जब तक नहीं दिखाते? अच्छा क्या दुल्हन है, निकाह तक नहीं दिखाने? भैया जेनिफर का मैसेज है आपको। हाँ आई बोल रही। फूल है बोल दे, नहीं है ना इसमें केक, चूहे खा गए। हाँ देखो इंडिया में ये प्रॉब्लम है, रैट्स, और चाइना में बैट्स, क्या करूं? देखो एक काम दिए थे केक का, वो तो करी नहीं, और मेरे डेकोर पे नाम रख रही। हाँ क्या गलत बोली मैं? वाह क्या सजा दिए घर को, ताज पैलेस दिख रहा। सजावट इम्पोर्टेंट नहीं है, खाना इम्पोर्टेंट है, केक बिरयानी। काले के जा रहे भगोने हो, इधर आओ। गैस खत्म हो गई, बुक भी नहीं करे ना आप, अब पड़ोसी के पास लेके जाना पड़ता दम पे रखने के वास्ते। इतने छोटे भगोने में पूरों को बिरयानी, कौन सा मैजिक कर रहे जाना तुम? देखेंगे जरा, खुल जा सिम सिम। टाइम टाइम फिश हो गया ना ये तो, कहाँ है बिरयानी? अप्रैल फूल्स। दोनों बालकनी में जाओ, आ रहा हूँ। ओफो क्या हुआ आज? छोड़ो उसको छोड़, केक बिरयानी का क्या करें, किससे मंगा रहे हैं? किससे भी नहीं मंगाए, अब जा रही हूँ थी मैं प्याज काटने। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ भी तुम अब प्याज काटने गए तो नाश्ते में खाना पड़ता बिरयानी। बोलो जी, मैं भी फंसा हुआ हूँ। वो मैं मेरे भाई को बोली आते आते ला लो, छुपा के लाओ बोली जरा, छुपा के ताकि तुम ना बनाए बोलने। हाँ भैया कैसे पहचाने? तेरा इस भाई हो ना, मेरे को मालूम तेरा गंदा दिमाग कैसा चलता। इमीडिएट तुम्हारे भाई को कॉल करो, 25th एनिवर्सरी के पूरे फुग्गे लाओ। ठीक है। और जरा उसको एनिवर्सरी की स्पेलिंग लिख के भेजो, गलत फुग्गे ला लेगा। एग्जामों में आप फेल होते थे होंगे, उन्हें आज तक नहीं हुआ। सबको भूख लग रही है सच करा। ऐ ठहरो मेरा भाई आंदो, निकालेंगे खाना। हाँ सही बोल रहे हैं मम्मी पापा, मेहमान तो आंदो, इनके भाई भी आना है। और ये बिरयानी की खुशबू अब तक कहीं को नहीं आ रही। बिरयानी तो अभी आ रही। हाँ कहाँ से? वो शर्फू भाई के पास दिए दम करने के वास्ते, गैस खत्म हो गई पापा। अरे उन अपने को दम कर देता, बिरयानी दम नहीं करता, उसको कहीं को दिए। अरे शर्फू भाई जिंदा है अभी तो? क्या 50 साल के बाद आ रही, 3 साल के बाद तो आ रही। देख उन्हें छूंगे, खाली पीली याद करके 100 साल की उम्र कर दी उनकी। सुनो नको खोलो, उन्हें रख के चले जाते। अरे 2 सेकंड पहले बोलना था। अरे मामू है, अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, नौशा और नौशिका है? यही है। ओह आप दोनों को 25वीं शादी मुबारक हो। 25वीं शादी, 25th मैरिज एनिवर्सरी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, हो सके तो कबूल करिए। मैं नहीं करने वाला था, शादी हुए जब से पहले वक्त तोहफा लाए तुम, इसलिए कबूल कर ले रहा हूँ। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, आपा जरा उधर जाके बैठो, मेरे को बैठने दो। अरे सवेरा तू कब कब के? 4 days हो रहे मामू। बोला तो सही, कम से कम थोड़ी चीजा मंगाना था कनाडा से। नेक्स्ट टाइम पक्का लाती हूँ मामू, आपके लिए तो सरप्राइज दी मैं। छोड़ो यारो तुम्हारा सरप्राइज, मालूम मेरे को ये सरप्राइज सरप्राइज कुछ नहीं रहता, लोग सामान नहीं मंगाना बल्कि सरप्राइज बोल के टपक जाते आलू। है? जाते हो का टिकट होना तो बोलो, सस्ते में करा देता हूँ। जैसा आप दुबई का कराए थे नहीं? जी नहीं मामू, थैंक यू, मैं सब करा ली। ठीक है मर्जी तुम्हारी। और ज़ैनब माशाल्लाह हेल्दी दिख रहे। शार्क, तू शार्क से पापा शार्क बनने वाला है क्या? अरे नहीं मामू, इतनी बड़ी खुशखबरी रही तो आपको नहीं सुनाता, पहले बोलता हूँ आपको। क्या है कि तू भी सैम के जैसा सरप्राइज बोल के गोद में दे देगा बेबी शार्क का टू 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 टू। और भाईजान सूट में तो आप जवानी के मिथुन दिख रहे हैं। मेरे को मालूम है, उधर बोलो। और आपा, आप ही जा के मिथुन से शादी कर ली? हाँ चुप, अब तो चढ़ाना कौन को? खैर कोई ऑप्शन नहीं था ना। हाँ नहीं आपको नहीं बोल रहा, आपा को बोल रहा। अरे क्या हुआ? आपके मामू मेरे को इनडायरेक्टली अभी भैंस बोले। अरे भैंस नहीं बोले, हेल्दी बोले। आजकल अनहेल्दी लोगों को हेल्दी बोल के ताना मार रहे हैं लोग। तो अनहेल्दी है तो डाइट कर लो ना जाना, वो भी ना होता तुम्हारे से।
खाना होना। अच्छा तो अब आप भी भैंस बोलेंगे मेरे को। अभी आ रही हूँ मैं। अरे क्या गर्मी हो गई, बात को प्यास लग रही, मैं भी पानी पी के आता। मैं भी अब भी जरा जाके आती हूँ। आजकल के तो बच्चे बड़ों की बातों में बैठते ही नहीं। ऐसा है भाईजान, हमारा जनरेशन आप दोनों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर रहा। अब मैं भी आप लोगों के एनिवर्सरी टेबल के बैठा हूं, नहीं तो मैं भी उनके साथ उठ के चले गया था। आंसुओं से पूरे लेंस बह गए मेरे। अच्छा हुआ अब अच्छे दिख रहे तुम, जब से वो नागिन की आंखों में देखने डर हो रहा था मेरे को। आप यहाँ कहीं को है, जाओ अपने फेवरेट मामू के साथ बैठो। रखो जी उधर। सैनब ये खुशी के माहौल में आप गम में अच्छा ना दिख रहा मेरे को। खुशी के माहौल में अगर आपको कोई बैल बोल दिया तो आपको अच्छा दिखता नहीं ना, वहाँ आपके मामू मेरे को भैंस बोल दिए और आप मेरे को घास खाओ बोल दिए। मैं कब बोला घास खाओ बोल के? डाइट करो बोले ना, क्या रहता है डाइट में? पत्ते, पत्ते इज इक्वल टू घास। मामू भैंस बोले तो भाभी चिढ़ गए नहीं? अरे भैंस कब बोले? हेल्दी बोले ना, उसका मतलब वही होता। बोल जरा तेरे भाभी को, मामू कितना रोस्ट करते सबको। हाँ भाभी, हम दोनों को तो क्या क्या चीज बोले सोए नो। खासकर इसको तो बहुत बुरा बुरा बोले, मेरे को उतना नहीं। चलो जी बाहर जाएंगे, इन्हें भी इधर ही चाह गई, उल्ला समझ जाते अपनी लड़ाई चल रही बोल के। अच्छा तो आपको उस बात की फिक्र है या फिर मेरा दिल दुख रहा था उसका क्या करते? मैं क्या करूं जी? भैया सॉरी सॉरी बोलो सॉरी। ज़ैनब सॉरी, देखो मैं 5 सॉरी तुम्हारे एडवांस में दे देता हूँ, आज के दिन जो भी हुआ लाइट ले लो तुम। सॉरी 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 सॉरी, मतलब और 5 बार मेरा दिल दुखने वाला है। मेरा भाई आ गया शायद। भाई ले सुबह हॉल में बैठे हुए, बिरयानी केक कैसा लेके जाएंगे छुपा के? फंस गए अपन। अपन नहीं तुम दोनों फंसे, मेरे फुग्गे आराम से छुप जाते। खैर चलो कुछ सोचता हूँ मैं। अरे एक सेकंड रिवर्स लियो, कहाँ गए ना? बालकनी में से आवाज आ रही, बैठक वहां पे शिफ्ट हो गई शायद। प्लान आ गया। सैम तू बालकनी में ठहर, उन लोग को आने नको दे। ज़ैनब तू मेरे साथ चलो, बिरयानी केक डेकोर पूरा सेट कर देंगे। आओ चलो डन। अरे खोलो रे, मैं हूं। ऐसी चिरचिरी आवाज मेरे भाई की तो नहीं हो सकती। अरे शर्फू भाई है, ठहरो दरवाजा खोल रो। नहीं खोल सकते। काई को नहीं खोल सकते? मेरे को मालूम है दावत चल रही, मैं नहीं खाता, दूसरा काम है रे। आपको कैसा मालूम दावत चल रही? तुम लोग हमेशा हालत डाल के रहते, आज जरा मुंह धुए वैसा दिख रहा। अरे नु अंदर आ गए तो फुल प्रॉब्लम हो जाती। अपन पापा को बोले इनके घर में बिरयानी दम देने रखे बोल के, अब इनकी सूरत देखते कि पापा को बिरयानी याद आती ना। 100% सही बोले तुम। हेलो गाइस। ये हेलो कब की छो गया सैन, तुम जाओ जूस लेके आओ तीनों प्यासे, मैं गर्मियों में जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता हूँ। 2 सेकंड में ला रही। तुम लोग मेरे को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को दबा के नंबर बना रहा, लेडीज थी बोल के मैं नहीं बोल रहा था। हमारे घर को आप पब्लिक टॉयलेट समझते क्या? हमेशा यहीं चाहते यूज करने। हाँ देखो जान। 2 रुपए दे देता हूँ, जल्दी खोलो नहीं तो चीखा स्टार्ट कर देता हूँ। करो 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 नको खोलो जी, चीखने दो उनको, सहलेंगे थोड़ा। ज़ैनब सब जबरदस्त प्लान है मेरे पास, तुम टेंशन रखो लियो। अगर मैं फंसी ना आपको भी फंसा दूंगी देखो। भाई तुम आपको कभी फंसाया नहीं ना? हाँ स्वीट। वो लाना बाद में करो रे, जरा दरवाजा खोलो रे। ये बच्ची कब आई कनाडा से, हकाल दिए क्या? मेहमान इधर है, इधर क्यों जाओ? शर्फू भाई पहले आप खाली हो जाओ फिर जूस पीएंगे अपन। अच्छा ठीक है। अरे शर्फू भाई वहां का फ्लश नहीं चल रहा, वो दूसरों की प्रॉब्लम है। अरे ये रूम में एसी टॉयलेट है, आप चलो ऐसा। इधर ही चलोगे एसी टॉयलेट। अच्छा मियां ये जरा फोन चार्जिंग को लगा दो, सो कर देता हूँ जब। अच्छा ये हो गया लॉक जी, उनका दम घुट गया तो एग्जॉस्ट है अंदर। तुम चलो मैं बोलता हूँ तुम्हें क्या करना है। सुनो अब क्या करो, ये डोर कहीं पे लगे? उनके चीखों की आवाज आप बाजू की गली तक आते नहीं तो। आ जा रे ओ मेरे दिल भर आ जा। आ गया। सैम हर आधे घंटे को मेरे को जूस होना, नहीं तो मैं बेहोश हो जाता हूँ, क्या करो? ठीक है मामू। आई हेट समर। क्या हुआ बी को कहीं को नेला? उनका नाम लेके पूरा मूड खराब कर दिया। तू लड़ाई हो गई हमारी 3 दिन से, मैं क्या मैं हूँ? मेरे को तो हैरत हो रही, अब तक कैसा है कि औरत तुम्हारे साथ? मैं तो मेरी बहन पे रहम खाता हूँ, 25 साल कैसा गुजार दिया कि नो आपके साथ? मैं तो तुम्हारे साथ 25 सेकंड में गुजार सकता हूँ, क्या बोल रहे हैं? बुलाया कहीं को मेरे को? आज के बहुत इन्विटेशन आते मेरे पास। मैंने बुलाया, तुम्हारे आपा बुलाए। अरे
ये क्या हो गया? ये क्या? तुम जाके छोटे बोल करो, कहाँ है? मेरा फोन देखे आप? फोन? छोटी 100 साल जिएगा तू? शाबाश मेरे चीते, फर्स्ट काम कर रहा तू। पूरे चीज़ लगा दिया। पूरे चीज़ है ना? ज़ैनब, केक फ्रिज में रखो, बिरयानी भगोने में निकालो, और इसका कचरा मिनिमम 6 किलोमीटर की दूरी पे फेंकना है। क्या किसी का मर्डर करे अपन? वर कर देते आप, यहाँ भी रख सकते भाई कचरा, कौन मुंडी डाल के देखने वाला है अंदर? अरे सेफ साइड जी, सफी तू चल जाता ना फेंकने? भाईजान आप 60 किलोमीटर भी बोले ना तो चले आता हूँ। ये सही है, 60 किलोमीटर। अरे छोटे तू समझ रहा नहीं, इन्हू तेरे से काम निकलवा लिए, अब तेरे को निकालना चाह रहे। भाईजान मजाक बड़ी भाईजान, आप और के मजाक है न लाया? क्या तू मेरा काम नहीं सुना? बदल गया भाईजान, मैं मजाक कर रहा था। लाया साले तू और तेरे मजाक। देख बड़ी जल्दी फूको में हवा भर के फूक दे, ये एने पे लगा दे। हाँ मेरे को पूरा केक का सेटअप इधर होना है। देख बड़ी आज की दावत देखो संभालना है, भरोसा कर सकता हूँ मैं तेरे पे? बिल्कुल भाईजान। चल शुरू हो जा। भाईजान आप बोल दिए, लेट्स स्टार्ट। चलो दोनों किचन में जाओ, जल्दी जाओ किचन में जाओ बड़ी। अरे खोल रे शाहरुख दरवाजा खोल, अब से नहीं आता रे। अरे जादू, अरे कहीं कोई धक्का ना दे, अरे अरे जादू। ठीक है भाई, आपा बुलाए बोल के आ गया था, अब मैं ये घर का खाना भी नहीं खाऊंगा। मामू जान दो ना, पापा बोलते रहते आज तो दावत है। नहीं सर, जिस महफिल में मेरी इज्जत नहीं है वहाँ एक सेकंड नहीं ठहर दो, मैं हॉल में जाऊँ। नहीं जा सकते आप। आए कैनेडा जाके मामू से बड़ी हो गई, देख लिया आपा बाबा का सर बच्ची पे भी आ गया। केक रख लिया। बिरयानी तो जबरदस्त दिख रही छोटे। हाँ गुल्लू दादा वाले नई शादमाली बिरयानी लॉन्च करे ना, वो ला। ए जान दे मामू को कई को रोक रही, मेन डोर का रास्ता दिखा दो उनको। पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट खेल रही है। क्या हो, सब सेट है ना? ठीक आ गया ना? आप मंगाए केक कनाडा से कब आए? बड़ी नहीं आ गया जी, केक है फ्रिज में। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? हाँ मेरी बहन तेरी बहन क्या? भाईजान मेरी बहन आपकी बीवी, आपकी बहन बड़ी। डोंट इवन ट्राई। क्या हुआ, सब जने किचन में ठहरे हुए, हम आपको छोड़ के खा रहे हैं क्या? सलेक मंगल आंटी मुबारक सिल्वर जुबली, जबरदस्त दिख रहे। शुक्रिया बेटे, तुम कब आए? अब बस अभी आंटी। ठीक है एंजॉय करो तुम लोग। ठीक है अंकल। मैं कौन सा गुनाह करा कि मेरे को ऐसी सजा मिली? अरे तुम पैसे भेजो जी, आधे घंटे में पासपोर्ट हाथ में रख रहा हूं मैं। आ ठीक है। अरे जान दो मियां, ऐसा ना बोलना चाहिए था मेरे को। नहीं भाईजान नहीं, यू रियली हर्ट मी। 25 साल पहले आज के दिन रुलाए थे आप मेरे को आपा को लेके जाके, आज फिर रो रहे। उफ, फिल्मों में कर लेना था ऐसी एक्टिंग। देख रहे आपा कितना बेरहम दिल का मिथुन है ये। अब दोनों चुप बैठो नहीं तो मैं शुरू हो जाती हूँ, खाना खाएंगे केक काटना है। हाँ आपा खाना निकालो, बहुत भूख लग रही। मियां तुम तो खाना नहीं खाते बोले ना। भाईजान बिरयानी अपनी जगह है, लड़ाई अपनी जगह है, और बिरयानी में नो कॉम्प्रोमाइज। या अल्लाह ये दावत की बिरयानी खा के तुम्हें मरना था। ये आई गर्मा गर्म बिरयानी। अम्मी जैनब के हाथ की बिरयानी पहली बार खा रहे नहीं? हाँ फुल पसंद आने वाली है अम्मी आपको। जैनब इज बनाए। अच्छा वेरी गुड। समारा केक बने। कैसा है भाईजान, क्या बोल रहा? मेरी जान आज बचा लिया तुम्हें। अरे भाईजान आपके लिए कुछ भी। जबरदस्त डेकोर है। हैप्पी 25th एनिवर्सरी। सरी कहाँ है? सॉरी भाईजान सरी को जगह नहीं थी तो मैं लगा। ठीक है चल कोई बात नहीं, उन लोगों को बुला लेंगे आज। चले जा तो की क्या होगी। अरे चालो नहीं करना था रे, नहीं करना था। बच्चे अच्छा सा जाने। हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए कराया मैं सब। क्या है सबके हाथा खाली दिख रहे, खाली मच लाया गिफ्ट है। क्या मियां केक काटना नहीं? अरे काटो। एक सेकंड, ये किसका फोन है? एक सेकंड, ये कौन सा फोन है? दूसरा फोन दिख रहा है आपका मेरे को। अरे क्या बात कर रहे, मेरा नहीं होता। पापा दिए क्या थे कुछ छुपाने? मैं एक सेकंड परेशान हूँ। अरे किसका भी नहीं। अरे ब्लैक वाला मेरा है शार्क, ये पकड़ो मियां शार्क।
बिना लॉक खोले फोन बंद नहीं कर सकते। अरे शर्फू भाई का फोन है। उनका फोन तेरे पास क्या कर रहा? अरे पापा उन्हों आ गए थे भाई दावत में, आपकी एनिवर्सरी खराब होती बोल के उनको वॉशरूम में बंद कर दिया हमें। अच्छा करा। आई ले मैं दरवाजा खोला तो बड़ा तमाशा करते उन्हों। अरे तू टेंशन न कर ले, मैं हूँ ना, हैंडल कर लेता हूँ, चल ये वॉशरूम में। कहाँ है? नहीं दिख रहा ना शर्फू, फ्लश कर दिया क्या उसको? आप अंदर जाके चेक करो ना मामू। क्या है मियाँ? क्या है मियाँ क्या? कब से मार रहे खटका? ऐसे दूसरों के टॉयलेट में सो जाते? इन्हें लॉक कर दिया था मेरे को। क्या बात कर रहे हैं? हमला कब से मार रहे दरवाजा? दूसरों को भी जाना रहता। हाँ आज की गोली खाना भूल गए शर्फू भाई? नहीं दो दिन से ऐसी चोरा गोली खाना भूल जा रहा हूँ। चलो खाना खा लेंगे। आप खा लो शर्फू भाई, बिरयानी है लेकिन उसमें गोश्त नहीं है। अरे सीधा सीधा बघारा खाना है बोल। जर्रे में पुलिस केस हो गया था तेरे पे, बचा लियो। थैंक यू मामू, चलिए केक काटेंगे। खाना ये है नामिया। शर्फू भाई मैं आपको गोश्त वाली बिरयानी मंगा तो, लेकिन जर्रा है केक काटने से वीडियो ले लो ना। ऐसा ऐसी बस इधर खड़े आप ले ले। अच्छा ले लेते ना। हाँ ले लेते रिकॉर्ड ऑन कर। वहाँ जाओ। वाह वाह। अरे ठहरो छोटे, ये मेरे मुंह पे आ गया, वीडियो में आ रही हूँ। मैं नीचे रख। अच्छा, नीचे रख नीचे रख। अरे हैप्पी वेडिंग डे टू यू टू टू। हैप्पी वेडिंग डे भाईजान, इस गरीब की तरफ से नाचीज का तोहफा। ये क्या है मियाँ? गल्ला है ये, इसकी चाबी मेरे पास है, ये जैसा भरेगा आप मेरे को कॉल कर देना। भाई को तुम आके खाली करते। सही पहचाने आप। पापा ये छोड़ दो आप, असल गिफ्ट हम चारों की तरफ से। एक सेकंड पापा, जैसा आप हम सबकी हमेशा पूरी ख्वाहिशें पूरे करते रहे, आप लोगों की एक ख्वाहिश थी समुंदर के पास हनीमून मनाने की, वर्ल्ड इसके टिकट्स। कई को करे बेटे खर्चा, ये उम्र में कहाँ जाते, आप बूढ़े हो गए। तुम बुढ़े हो गएंगे, आज भी अपन जवान है, मालदीव के समंदर में आज भी डाया मारते हैं। ये हुई ना बात, टिकट्स। थैंक यू शर्फू भाई, कट कर दो वीडियो। अरे भैया अपन फोटोशूट ही नहीं करें। सुबह से कर रही ना फैमिली। शर्फू भाई फोटोज ले लेते। कहीं क्यों ना लेते, तू गोश्त की बिरयानी ला रहा ना? हाँ ला रहा। ले लेता हूँ। ठीक है चलो। अरे बस है शर्फू भाई, कितने लेते? थैंक यू सो मच। चेक कर लो मियाँ। ठीक है। हाँ ये क्या पूरे सेल्फीज है आपके? अब से तू लॉक करता। कैसा दिखा गाइस वीडियो? ये वीडियो जो आप लोग इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं बोला 30 मिनट्स का, मैं बोला और क्रेजी करेंगे, एकदम शॉर्ट मूवी बना देंगे, क्योंकि बहुत टाइम से रिक्वेस्ट थी आप लोगों की, तो इसलिए फुल ऑन मेहनत लग गई। खासकर स्क्रिप्ट में तो इतना दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए देख रहे ना सीधा दुबई भाग के आ गया मैं, वैकेशन होना ज़रूरी था। और उसके बाद शूटिंग और एडिटिंग में अबरार खान तो मौत डाल दिए, 3 दिन की शूटिंग थी, 12 to 13 hours की, एक दिन जारी थी कंटिन्यूस शूट, 38 hours की तो शूट थी, नॉन स्टॉप करे उन्होंने, और साथ में एडिटिंग भी 55 मिनट्स का वीडियो एडिट करना इज़ नॉट, इट्स अ मूवी, शॉर्ट मूवी है, एडिट करना इज़ नॉट अ जोक।
और बहुत कम टाइम था उसमें एडिट कर दिया, तो उनका अभी बहुत बहुत थैंक यू अबरार खान का, और जो है मेरी पूरी टीम मेंबर्स को थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ मैं। जैनब जो पत्नी का रोल करती है, आरती जो छोटे से सोननंद भी हो गई अब, और सफ़ी जो साले का रोल करता, उन्हें तो पूरा मतलब साउंड भी सेट पे जो है साउंड देखना, और साथ में उसका एक छोटा रोल भी था वो भी कर लिया पट्टा क्रेजी, उसका भी थैंक यू। अम्मी का कैरेक्टर सिद्दीका खाला, उनको भी थैंक यू। अल्ताफ हैदर साहब जो पापा का कैरेक्टर करते हैं, और साथ में पड़ोसी शर्फू भाई के भी जानी है उनका नाम, उनको भी थैंक यू। और गुल्लू दादा जो मामू का रोल करते हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि 12 और 13 आवर्स की जैसा शूटिंग चल रही थी पूरी फुल एनर्जी के साथ शॉट दिए, एनर्जी तो उन लोग लो थी लेकिन वीडियो में दिखने नहीं दिया हो। अब डे 3 का जब व्लॉग आएगा उसमें मालूम होगा आप लोग हमारी हालत क्या हुई सो, वो तो कैसा भी मिस ना करो भाई डे 3 वाला व्लॉग। मतलब पूरी टीम भाई, पूरी टीम का थैंक यू, उन लोगों के बिना नहीं होता था ये वीडियो। आप लोग खुश है तो आई एम हैप्पी, वीडियो पसंद आया होपफुली, क्योंकि मैंने तो बहुत लगी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसके व्लॉग्स आने वाले 30, 31 और 1st हैदराबाद डायरीज व्लॉग्स पे, तो प्लीज़ वो देखो ज़रा, उसमें हमारी मेहनत भी दिखती है और साथ में बेहतरीन ब्लूपर्स भी है, बहुत फनी ब्लूपर्स बने इसमें, तो वो भी है, तो वो भी कैसा भी देखो। और जो है मेन इंपॉर्टेंट बात, रमज़ान में तो हैदराबाद डायरीज चैनल पर वीडियोज़ नहीं आते, मे बी व्लॉग चैनल पर शायद फूड व्लॉगिंग ये आएंगी, मे बी, वो भी प्रॉमिस नहीं करूँगा, बट मेन चैनल पर तो वीडियोज़ नहीं आएंगे हमेशा कैसा। तो इंशाल्लाह ईद के बाद ही मिलेंगे अपन, जब तक दुआओं में याद से। अब मैं जा के ज़रा नहीं, ये दिख रहा समुंदर में, शर्ट उतार के डुबकी मार दो, सुकून हो ना।